नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। नए साल के पहले दिन गुलजार रहे जिले के सभी पर्यटन स्थल। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामूहिक जश्न में प्रतिबंध लगा दिया है। जारी गाइडलाइन में पिकनिक स्थलों के भ्रमण में रोक को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। ऐसे में लोगों ने आनन फानन में पिकनिक स्पॉट जाने की योजना बनाई। उधर प्रतिबंध के बावजूद शहर की गली व कॉलोनियों में देर रात तक चहल पहल जारी रही। नव वर्ष के अभिनंदन की कामना को लेकर पहली तारीख को सुबह से धार्मिक स्थल, मंदिर और पिकनिक स्थल में सैलानियों और श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सार्वजनिक स्थल में जश्न पर प्रतिबंध के बीच लोगों ने अपने अपने तरीके से नववर्ष परिवार व मित्रों के साथ मनाया। पाली ब्लॉक के छत्तीसगढ़ का शिमला के रूप में विख्यात चैतुर्गढ़ अष्टभुजी मंदिर में लोगों की उपस्थिति रहेगी। पहाड़ी के शिखर पर विराजमान महिषासुर मर्दिनी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ शंकर गुफा, सिंह द्वार व गुप्त द्वार, मुनगाडीह का सकरिया पाठ, चेपा रानी मंदिर में लोगों की चहल पहल रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में 31 दिसंबर को नए वर्ष के जश्न के लिए उर्गा स्थित रिजॉर्ट में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश पर निरस्त हो गया। बॉलीवुड कलाकार राहुल राय कोरबा पहुंचे, लेकिन नए साल के जश्न की तैयारी पर कोरोना के बढ़ते मामले ने पानी फेर दिया। सुपरहिट फिल्म आशिकी से शोहरत पाने वाले राहुल राय का कोरबा में स्वागत आयोजक और लोगों ने किया। राहुल राय मॉल और उर्गा थाना पहुंचकर लोगों से मिले। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। घर में घुसकर महिला को युवक ने मारी गोली। कोरबा में नए साल के स्वागत में सभी जश्न मना रहे थे, तभी इसी बीच दीपका में एक महिला पर गोली चलाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना दीपका थाना क्षेत्र के ग्राम झावर की है। बाइक में सवार होकर दो युवक पहुंचे और एक ने घर में घुसकर गोली चलाई। वारदात के बाद दोनों फरार हो गए। बताया जा रहा है कि झावर निवासी सरोजनी बाई घर पर ही थी, पति किसी काम से बाहर गया था। महिला के माता पिता घर में अन्य कमरे में थे, जबकि बच्चा पास में ही था। बीती रात बाइक में सवार दो युवक आए और घर में घुसकर उस पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर माता पिता मौके पर पहुंचे। गोली महिला के आंख और कान के बीच लगी है। महिला ने खुद अपने पति को फोन किया और वारदात की जानकारी दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और महिला को कोरबा के कोसाबाड़ी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। दीपका में हुए वारदात की सूचना मिलते ही टीआई अविनाश सिंह पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए सूचना प्रसारित कर पूरे जिले में नाकेबंदी की गई। नववर्ष की पूर्व रात्रि कानून व्यवस्था के लिए पहले से सतर्क पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल नाकेबंदी करने में विलम्ब नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा अस्पताल पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, साथ ही पुलिस वारदात के पीछे की वजह जानने में जुटी है। ड्यूटी से आया, फिर अपने दोस्त के रूम में गया, वहाँ से मटन लेके घर आया। घर के बाद यहाँ बैठे थे खाना खाने, उसके बाद दो बार आवाज़ आया, फिर उसके बाद मम्मी पापा दौड़ते गए, फिर उनके पीछे में गया। फिर अंदर जाने के वहाँ पर गेट पास पहुँचे, उतना में फिर वो खिड़की छोटा सा उसमें से झाँक के देखा तो फिर वो बंदूक रखे हुए थे। फिर मम्मी पापा को साइड हटने बोला, फिर उसके बाद बच्चे में गन को ऐसे रखा, फिर मैं साइड किया छेद पास से तो मैं हट गया। फिर मैं उसे डंडा लेने आया, डंडा लेने आने के बाद उतना से लॉक कर दिया था वहाँ गेट को, फिर उतना से लोग गेट खोल के मैं जाते तक लोग चल दिए थे वापस। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों की जान आफत में है। जर्जर आंगनबाड़ी भवनों में मासूम बच्चों को बैठाया जा रहा है। बच्चों को कुपोषण से बचाने जिले में 2000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, लेकिन जिसमें से 450 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो बहुत जर्जर हो चुके हैं, जहां बच्चों को बिठाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में बच्चों के साथ कभी भी अनहोनी हो सकती है। इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास विभाग को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। सर आप तो देख ही रहे हैं, खराब है पूरा, छत वत निकल रहा है, गिर रहा है नीचे, और इससे पानी टपकता है ना तो ऊपर छज्जे में भर जाता है पानी,
और इससे ज़्यादा दिक्कत होता है। शांत हो सकता है सर, लेकिन अब क्या है कि अब रीट इसको जर्जर हो गया, क्योंकि बनवाने के लिए बोले हैं, अब बनेगा तो कब तक बनेगा पता नहीं है। जल्दी बनना चाहिए, जितना भी जल्दी हो सके, और रिपेयरिंग हो सकता तो रिपेयरिंग ही करा देती या फिर बनवा ही देती तो भी ठीक। महिला एवं बाल विकास विभाग के PDO का कहना है कि जिले में कुछ आंगनबाड़ी जर्जर भवन है, जिसके मरम्मत के लिए जिला पंचायत को जानकारी दी गई है। वहीं कुछ भवन खराब होने से दूसरे भवनों में वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं। लगभग 2280 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन की स्वीकृति कराई गई है, उसमें से अभी कुछ जो है भवन लगभग 77 के करीब जो है प्रारंभिक स्थिति में रिपोर्ट हो रहे हैं, और अभी सभी भवन जो है मनरेगा के समन्वय से स्वीकृत कराने की तैयारी चल रही है। 141 भवन केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी एक बार भी भवन स्वीकृत नहीं हुआ है, उसकी सूची भी जिला पंचायत को उपलब्ध कराई गई है। और ऐसे भवन जो जर्जर हैं, जहाँ पर उसके जर्जर अवस्था के कारण से आंगनबाड़ी केंद्रों को वहाँ से शिफ्ट किया गया है, तो ऐसे 311 आंगनबाड़ी केंद्र भवन जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसका भी प्रस्ताव जिला पंचायत को प्रेषित किए गए हैं। जैसे और जिला पंचायत से जो है वो सूची जनपदों को प्रेषित की जा रही है, और वहाँ से सत्यापन करा करके रिपोर्ट मंगाया जा रहा है कि स्थान की उपलब्धता और जो है भवन की वास्तविक स्थिति, क्या वाकई में वहाँ पर जो है भवन जर्जर है अथवा मरम्मत से काम हो सकता है, तो ऐसे जो है भवनों के चिन्हांकन उपरांत फिर वहाँ पर समुचित कार्रवाई की जाए। ऐसे केंद्र जहाँ पर अपना शासकीय भवन नहीं है, वहाँ पर या तो किराए के भवन पे या सामुदायिक भवन है या जो है पुराने स्कूल भवन है जो ठीक ठाक अवस्था में, वहाँ पर अभी टेम्पररी व्यवस्था के तहत हम संचालित करवा रहे हैं। वैसे जैसे जो मैंने बताया कि 311 तो जर्जर भवन है जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे 311 तो हैं, उसके अलावा जो जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन नहीं, 141 तो लगभग 450 के करीब जो है भवन केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर किराया अथवा सामुदायिक भवन या अन्य कोई शासकीय भवन है तो वहाँ पर संचालित कराया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT is the new MPEG 4 box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब SStar नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्रे जमनीपाली जेलगांव, CSB पावर सिटी पुष्पल्लभ साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786922258। NXT is the new MPEG 4 box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बालको केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395।
कोरबा में तेजस्विनी को मिला कलेक्टर माँ का दुलार। कलेक्टर रानू साहू ने एक 6 माह की बच्ची का नामकरण किया, उसके लालन पालन पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया। कलेक्टर रानू साहू कोरबा के अपना घर सेवा आश्रम में बच्चों के नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार में शामिल हुई। यहाँ उन्होंने 6 माह की एक बच्ची का नाम तेजस्विनी रखा, उसकी विवाह तक की सभी जिम्मेदारियां उठाने का संकल्प लिया। कलेक्टर की संवेदनशील पहल की पूरे जिले में प्रशंसा की जा रही है। गौरतलब है कि रानू साहू को सामाजिक संस्था छत्तीसगढ़ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित अपना घर सेवा आश्रम में जन्मे बच्चों के नामकरण अन्नप्राशन संस्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। इस आश्रम में मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को रखकर उनकी देखभाल की जाती है। छत्तीसगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के राणा मुखर्जी ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान कोरबा के पुराने बस स्टैंड में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला मिली थी। उस समय महिला की डॉक्टरी जांच में 5 माह की गर्भवती होने पर उसे सोसाइटी द्वारा चला जा रहे अपना घर सेवा आश्रम में लाया गया था। आश्रम में गर्भवती मानसिक विक्षिप्त महिला की देखभाल की गई और महिला ने 23 जून 2021 को एक बच्ची को जन्म दिया। आज इसी बच्ची का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार था। कलेक्टर रानू साहू ने इस बच्ची का नाम तेजस्विनी रखा। कलेक्टर ने बच्ची का नामकरण करते हुए कहा कि ये बच्ची अपने नाम के अनुरूप समाज के लिए विशेष मुकाम हासिल करेगी और लोगों को जीने का नया तेज देगी। कलेक्टर ने इस बच्ची के लालन पालन से लेकर पढ़ाई लिखाई और उसके विवाह तक की सभी जिम्मेदारियां खुद पर ली और बच्ची को गोद में लेकर स्नेह दुलार किया। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के समाज सेवा के कामों की भी सराहना की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। एक सामाजिक संस्था के द्वारा विक्षिप्त महिला की 6 माह की जो बच्ची है उसका नामकरण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार में मुझे आमंत्रित किया गया था और कार्यक्रम में जाके मैं वस्तु स्थिति से अवगत हुई और मुझे पता चला कि वो जो बच्ची है उसकी माँ विक्षिप्त है और विक्षिप्त अवस्था में ही जो है वो प्रेग्नेंट हुई और फिर उससे एक बेबी गर्ल हुई। तो मानवता के नाते और फिर मैंने उस बच्ची के शिक्षा दीक्षा से लेके विवाह तक की पूरी जिम्मेदारी का वहन करने का दायित्व उठाया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के एसीसीएल कुसमुंडा में रोजगार की मांग को लेकर भू विस्थापितों ने किया अनोखा प्रदर्शन। कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने अर्धनग्न होकर किया जमकर प्रदर्शन। नियमित रोजगार देने की मांग को लेकर एसीसीएल के कुसमुंडा मुख्यालय के सामने धरना दे रहे भू विस्थापित नए साल में एसीसीएल प्रबंधन को जगाने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना देते 61 दिन बीत जाने के बाद भी समस्या का निदान नहीं हो सका। भू विस्थापितों द्वारा रोजगार एकता संघ के बैनर तले धरना दिया जा रहा है। इस बीच 2 बार खदान बंदी भी की गई है और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। एसीसीएल प्रबंधन ने 1 माह में रोजगार देने का लिखित वादा किया पर रोजगार नहीं दे सके। रोजगार के बदले भू विस्थापितों को ठेकेदारी देने के प्रबंधन के प्रस्ताव को उन्होंने पूरी तरह ठुकरा दिया है। संघ ने कहा कि वर्ष 1978 से 2004 के मध्य भूमि का अधिग्रहण किया गया है, इसलिए तब की पुनर्वास नीति के तहत रोजगार देने मांग की जा रही है। प्रबंधन वर्ष 2012 की पुनर्वास नीति के तहत रोजगार देने की पेशकश कर रहा है। इस नीति से भू विस्थापितों को रोजगार नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि यदि एसीसीएल ने उन्हें समय पर रोजगार नहीं दिया तो इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार है, न कि भू विस्थापित किसान। भू विस्थापित जमीन के बदले रोजगार मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे, इसलिए सभी भू विस्थापित परिवार के एक एक सदस्य को रोजगार देने की प्रक्रिया जल्द शुरू करें। हमार पूर्वज के जमीन ला ये एसीसीएल वाला है, कोयला उत्पादन करबो, देश ला आगे बढ़ावो के ले लीस और आज हमन ला कई आदमी नौकरी दे है और कई आदमी ला हमन ला नौकरी दे है। बीच में हमन खदान बंद कर रहे तो SDM साहब आई और 2 जन बिलासपुर ले कौन कौन अधिकारी आई और ए मन मिलजुल के हमन ला कागज में लिख के दी कि हमन तुम्हें 1 महीना में नौकरी ला दे देबो कहके। ओकर बाद में कुछ कार्रवाई नहीं करी तब फिर 1 महीने के बाद हम खदान ला बंद करें तो हमन ला बोह बोह के घसीट के ले गई और जेल में 16 आदमी ला भर दी। तब हमन ला पुलिस वाला बला के हमन ला दबा के कोशिश करे थे तो हमन दबने वाला न हन, इधर ही आर पार के लड़ाई लड़बो और हमार नौकरी ले के रहो। आज तो हमन नंगर हो गए और ये मन का समझते नंगा से खुदा हारे, ये तो SCCL है, ये कहाँ भाग के जगी हमार नौकरी हमार लेके।
भूस्थापितों की मांग को लेकर के लगातार 2 महीने से आंदोलन जारी है। आज 62वां दिन भी मतलब यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है और आज यहाँ पे अर्धनग्न प्रदर्शन जो है भूस्थापित किसानों के साथ मिलकर किया जा रहा है। एसीसीएल प्रबंधन 40 साल से लोगों को गुमराह करते आ रही है उनकी ज़मीनों को लेकर के। अब भूस्थापित किसान जो है आर पार की लड़ाई के लिए सड़क उतर चुके हैं। विगत 2 माह से लगातार संघर्ष जारी है। 31 अक्टूबर को 12 घंटे खदान को पूर्ण रूप से बंद किया गया था, कोयला उत्पादन पूर्ण बंद था। 31 नवंबर को 8 घंटे माइंस पूरा बंद था जिसमें 16 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ऐसे प्रबंधन को ऐसा लगता है कि मतलब दमन प्रशासन का दमन का सहारा लेकर के वो भूस्थापितों के आंदोलन को दबा देगी, लेकिन भूस्थापित इस बार रोजगार मिलते तक आंदोलन को जारी रखेंगे, चाहे इन्हें जेल जाना पड़े चाहे इन्हें कहीं भी जाना पड़े। जब तक रोजगार नहीं मिले तब तक ये घर वापसी नहीं करने वाले हैं। और जिन भी किसानों की जमीन को ली गई है एसीसीएल के विकास के नाम पर अधिग्रहण किया गया है, उन समस्त खातेदारों को रोजगार देने का प्रावधान था उस समय में। अगर रोजगार नहीं दिया गया है तो गलती एसीसीएल प्रबंधन की है, ना कि भूस्थापित किसानों की है। इसलिए हम एसीसीएल से निवेदन करते हैं कि वो भूस्थापितों के मांगों पर विचार करते हुए सभी भूस्थापितों को रोजगार दे, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन के लिए भी एसीसीएल प्रबंधन तैयार रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में एसीसीएल की खदानों में दबाव बढ़ा तो चोरों ने रेलवे को बनाया निशाना। हजारों का डीजल पार कर दिया रेलवे इंजन से, 3 गिरफ्तार। डीजल चोरी करने वाले गिरोह के दुस्साहस ने सरकारी तंत्र को न केवल परेशान किया है बल्कि सोचने के लिए मजबूर किया है। इस बार डीजल चोरों ने संगठित रूप से रेल इंजन से लगभग 500 लीटर डीजल की चोरी की है। एक सूचना के आधार पर रेलवे प्रोटेक्शन फॉर्म ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद एक और व्यक्ति को दबोच लिया गया जो चोरी किया गया डीजल खरीदता था, जबकि गिरोह के 3 सदस्यों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार कोरबा रेलवे यार्ड के इलेक्ट्रिकल शेड के पास खड़ी एक मालगाड़ी को 6 चोरों ने निशाना बनाया। कुछ ही देर में चोरों ने यहां से सैकड़ों लीटर डीजल की चोरी कर ली। इसके बाद इसे खपाने के लिए काम में जुट गए। रेलवे के लोको पायलट की सूचना पर आरपीएफ हरकत में आई और आनन फानन में खोजबीन शुरू की। आरपीएफ के निरीक्षक कुंदन कुमार झा ने बताया कि गौमाता चौक के पास डीजल बेचते हुए सुमित यादव और वासु झा को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 10 जेरिकेन में 300 लीटर डीजल मिला है। मौके से एक जाइलो वाहन भी जब्त की गई है। ये पहला मामला था, ये उधर घूम रहे थे तो इनको खड़ी इंजन दिखी और इनको लोबस या उस इंजन से डीजल की चोरी की थी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा निवासी प्रशिक्षु अधिवक्ता खुद को आईएएस अफसर बताकर सोमनाथ मंदिर में वीआईपी सुविधा मांग रहे थे। इस फर्जीवाड़ा पर इन दोनों अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ में जेएमएफसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अंजलि सिंह भी गुजरात गई थी। यह सारी कार्रवाई गुजरात के राजकोट में हुई है। इस मामले में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि दोनों अधिवक्ता कोरबा जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य नहीं हैं, उनसे अधिवक्ता संघ का कोई लेना देना नहीं है। सर्वप्रथम आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि जो राजकोट गुजरात में जो 2 व्यक्ति रवि पांडे और शरद पांडे अपने आप को फर्जी आईएएस अधिकारी बताया है और सर्व सुविधा की मांग की जा रही थी, प्रोटोकॉल की मांग की जा रही थी, न ही वो आईपीएस अधिकारी है, न ही जिला अधिवक्ता संघ किसी प्रकार का वो कोई सदस्य है। हमारे संघ से उनसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ का ना कोई पंजीकृत सदस्य है। तो प्रेस के माध्यम से हमको पता चला कि जिला अधिवक्ता संघ कोरबा का सदस्य है। हमारे यहाँ का कोई भी पंजीकृत सदस्य का नाम यहाँ एंट्री रहता है, उनका नाम कहीं पर एंट्री नहीं है। वो पढ़ाई किया है कि नहीं किया, इनके भी हम लोग अनभिज्ञ हैं। रही बात वकील की, वकील तो है ही नहीं। वो जिला अधिवक्ता संघ का किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं वहाँ उन व्यक्तियों के ऊपर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एमएक्सटी इज द न्यू एमपीईजी फोर बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। एनएक्सटी एमपीईजी फोर बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 एनएक्सटी लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही एनएक्सटी डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा।
अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में, दर्रे जमनी पाली जेलगांव, CS बेस्ड पावर सिटी पुष्पल्ला साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 7869222258। MXT is the new MPEG 4box जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4box जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में जमीन विवाद पर जेठ ने की बेवा बहू की टांगी मारकर हत्या। घटना के बाद आरोपी ने भागने का प्रयास किया पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला हरदी बाजार उप पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदपुर में सामने आई है। यहां रहने वाले गिरधारी श्रीवास की 2 माह पहले मृत्यु हो गई थी। घर में गिरधारी के माता पिता व पत्नी अमरीका बाई रहते थे। पति की मृत्यु के बाद पत्नी अमरीका बाई पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। वहीं गिरधारी का बड़ा भाई बनवारी परिवार से अलग था। दोनों भाइयों के मध्य जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। ग्राम पंचायत की बैठक में जमीन का मौखिक बंटवारा किया गया था पर बनवारी को यह बंटवारा पसंद नहीं आया। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के मध्य विवाद होते रहा। गिरधारी की मौत के बाद भी यह विवाद नहीं थमा। बताया जा रहा है कि अमरीका बाई ने कोई जमीन बेच दी थी, इससे बनवारी ज्यादा नाराज हो गया। शुक्रवार को अमरीका बाई घर के पास कंडा थोप रही थी, तभी बनवारी घटना स्थल पर पहुंचा और टांगी से अमरीका बाई पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से चोट लगने पर उसकी स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी भाग गया। मामले की सूचना मिलने पर हरदी बाजार पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। वैधानिक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्या के आरोपी बनवारी को गिरफ्तार किया। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।